एक नंबर भाई, बड़े बता रहा है एक नंबर। बताया बताओ, कान में सब भी आवाज आ रहा है। खोल ले रहा मैं। हाँ। आ जाओ तो भाई, वायरिंग कर दिया दोनों बूफरों की। देखो निकाल के दिखाओ यार, बूफर कैसा लगता है 2000 वाला। लो भाई, अगर मन कर गया तो हो सकता है ये फ्री का मॉडल दे आपको। 2, 25, 40, 18 अब तो 18 है। अब 18 अभी से सेम है जो ढूंढ रहे थे पहले मेरे पास। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो सारे मेरे भाइयों का राम राम। और भाई आज हम जा रहे हैं गूगल पे होंडा के अलॉय और टायर चेंज कराने। उम्मीद है, वैसे मेरे टायर खराब हो रहे हैं भाई, मेरे को अलॉय की इतनी ज़्यादा लोड नहीं है। अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो भाई टायर तो चेंज कराएंगे कराएंगे। और आपको वहाँ जितने भी अलॉय रखे हैं आज इसके पास वो सारे दिखाएंगे। बाकी अभिषेक भाई हमारे साथ, उनकी I20 है, उसको हमने कीड़ा लगा दिया 17 बजे वो डाएगा पर 18 पे पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहा है, देखो वो बाहर और निकल से ये रे आ रही है। जूम कर लेते हैं। छुप गई, छुप गई ना, पीछे आप देखेंगे ये आ रही है। तो भाई अभिषेक भी चल रहा है पीछे पीछे, वो 17 की जगह 18 लगवाएगा। और उम्मीद है जो हमने 20 अपनी I20 में लगाया था सेम उसी तरह से मिलता जुलता डिजाइन वो लगाएंगे 18 में। हां वो लगाएंगे 18। तो अब चलते हैं भाई एक बार अलॉय वाले पास, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई पहुंच चुके हैं मार्केट में, अब देखो अलॉय लगा के देखते हैं कैसे लग रहे हैं। अभिषेक तो सेम है जो ढूंढ रहे थे, यही ढूंढ है ना भाई। तो मैं बता देता हूँ, कभी कोई भाई बोलने लगा पेंट है स्प्रे, तो भाई ये हमने स्प्रे मार रखा है, ये हमारे बफ है, मतलब पुराने हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं देखने में। और देखने में अच्छे लगने चाहिए चाहे पेंट हो या ना हो, ये है ना, सदा बाहर है। खराब हो जाएगा फिर दोबारा पेंट। क्या कहते उस्ताद, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ क्या पता सही में वही हो, ना 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 17 नहीं 18 है, कन्फ्यूज हो रहा है 17 के 18। तो भाई दो अलग तो लगा दिए हैं, लुक चेंज हो गया, लुक चेंज हो गया, ये सिल्वर और क्रोम हो गया ना बढ़िया। अरे भाई ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा। 2, 25, 40, 18 अब तो 18 है। अब 18 गौतम सिलेरियम डलवाला गोल्डन सिलेरियम आता है। अरे मैंने बोली तो मैं कहता सिलेरियम का लो है, ये पेंट हो रखा है। अरे ये वाला वो है जो अक्षय ने अपने स्कोर में डलवा रखा था भैया। हमें एक चीज और मिली है, देख दिखाऊं तुझे। दिखाओ ये रे, ये इतने ही साफ अलॉय हैं जितने अपनी ब्रीजा में। क्रोम है, अगर मन कर गया तो हो सकता है ये ब्रीजा मॉडल जाए आपको। टायर भी सही सेम है, टायर भी सेम है, ट्रायंगल का टायर है। हाँ 2, 55, 35, 20 है बिल्कुल सेट। और क्रोम भी हमारा ये कह रहा है कि भाई चारों बिल्कुल नए हैं, जैसे ये दिख रहा है ना एकदम साफ ऐसे ही हैं। कर देते हैं काम, कर दो काम, चला लेंगे एक दो महीने चला लेंगे, रील बना लेंगे तगड़े। भाईओ अलॉय डल गए, अब चल रहे हैं घर। वो तुम बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया तो लगेंगे जब चीज है सही है, हम तो संतुष्ट हैं। ये अभी कंफ्यूज है कि इतने बड़े बड़े बराबर बराबर क्यों लग रहे हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ भाई। ये होता क्या है ना, देखो ये 18 क्या है ना, अब अलॉय हो गया हमारा बड़ा और टायर हो गया हमारा छोटा, तो अगर इसके बराबर हो अगर 17 भी रखेंगे ना अब भी, तो हमें ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सेम सेम है। और कटिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी, काटेगा ना कहीं नहीं अड़ेगा, ना आगे अड़ेगा ना पीछे अड़ेगा। जितने आपको अलग दिख रहे हैं ना लगभग लगभग इसमें से 17 के तो 1, 2, 3 पता भाई ये कौन सा टायर किसके है, 18 AMG का है। कौन सी गाड़ी के लिए, AMG की जो बाहर से किट लगती है ना, ये रहा भाई मतलब ओरिजिनल वाला है। कौन सी गाड़ी में फिट हो जाएगा, ब्रीजा क्रेटा डस्टर किसी में। अच्छा 5 नेट वाला हिसाब है, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये डिजाइन बहुत बढ़िया लग रहा है आजकल, ये वाला फूल वाला, ये भी ऐसे चलता वो अच्छा लगता है। 17 तो लगा नहीं, हम मिचलिन का टायर है, टायर के तो खैर मुझे भरोसा नहीं होता लेकिन चल जाते हैं ठीक ठाक। सिलेरियो के लिए अच्छा, किसी में गोल्डन तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा घूम फिर के मैं पहुंच जाता हूँ। अक्षय भाई भैया यू अगर इसमें टायर साइज अच्छा हो तो ब्रीफ में डल जाए मजा आ जाए है ना, बहुत तगड़ा है ये अलॉय भी, अच्छा लगता है बढ़िया। ये भी सदा भाई ये 17, 18 एक बार थोड़ा बार रेट कन्फर्म करो, कहाँ से रेट शुरू हो, मतलब जैसे 17 कोई बंदा लेना है तो 25,000, 30,000, 35,000 30,000, 35,000 जैसे अलॉय जैसे टायर वैसे ही पैसे, मतलब उम्मीद ये है कि 30,000 के आसपास दे दोगे। और 18 इंच 35,000 से 40,000 35,000 से 40,000 के आसपास आजकल, लेकिन मार्केट में माल कम है थोड़ा सा है ना। माल तो आ ही रही है, माल तो आएगा, ये सारा माल ही तो है, बहुत बढ़िया। कभी कभी होता है लेकिन जब हम पोलो के लिए ढूंढ रहे थे, फिलहाल पोलो के लिए नहीं है लेकिन आ जाता है माल 2-4 दिन में, तो ये
पूरी डिस्प्ले चेंज होती रहती है। तो भाई सदा भाई जो है ना एक नंबर टायर लगा दिए अपने होंडा के लिए, बिल्कुल ओके, कोई पंचर नहीं, चारों टायर सेम और पूरा माल लगा दोस्त भाई। तो वही साइज है जो भी I20 में लगते, बिल्कुल सेम साइज है, 225-240 बढ़ा रहा है, चलने के बाद भी अच्छा लगेगा। देखो अब भाई ये अलॉय जा रहे हैं, देखो देखो कितनी मेहनत कर रहा लौंडा। अब ये 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और ले जाएगा, देखो 8 लेके जाएगा पैसन पे। ये लो जी भाई टायर साइज बताऊं, देखो जरा 225-40-18। तो भाई एक चीज़ और दिखी बहुत बढ़िया और साफ उतरी, ये मेरे ख्याल में 20 इंच है और किसी भी स्कॉर्पियो में, ब्रिजा में, क्रेटा में, वेन्यू में, तो इन तरह की जितनी भी सेगमेंट है भाई उनमें सब डल जाएगा। हमारे अलाया बिल्कुल साफ लग रहा है भाई, बिल्कुल साफ है भाई, और इसमें कोई छेड़ा छाड़े नहीं है कुछ नहीं। और टायर साइज क्या है इसमें फिलहाल? इसमें टायर साइज 265 था शायद, मैंने देखा था 265-50-17-17-20, मतलब कहने का मतलब ये फिलहाल तो स्कॉर्पियो वाला साइज है। स्कॉर्पियो में मैं निकाल के अभी लगा दूँ, स्कॉर्पियो में ब्लेयर होगा, बाकी टायर चेंज करो किसी में भी लगा दो। तेज निकले हम खड़े हमारे में तभी तक शुरू भी ना हुआ, देखना ऐसे कैसे टाइम लगेगा, अभी टायर ही ना है। अच्छा टायर ही ना है, कोई ना है नहीं इनके पास नहीं भाई, मैं गोता वाला भी चेंज करा दूंगा। अलॉय भी 17 सोच रहा हूं, लेकिन 17 का मन नहीं, 17 नहीं 18 से 17 थोड़ी जाओगे भाई, 20 लगवाओ अपने टायर देना। ऐसा नहीं है कि भाई अपने टायर बहुत ज्यादा घिस रहे थे, पीछे वाले तो ठीक थे, ये पीछे था और ये पीछे था, ये था तो ये घिस रहा था और एक था फट गया था, एक देखो ये रखा नहीं कहीं और रखा होगा। तो भाई जो एक टायर जो था ना जो बिल्कुल इसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, वो ये यहाँ से फटा था करीबन 1 साल चल गया था गौतम, उसके बाद फटा ये भी, 1 साल बहुत होते हैं। ऐसा नहीं चलते हैं घर और देखो चारों टायर डल गए बिल्कुल सेम भाई यही है, मतलब एक दिखा रहा हूँ बार बार दिखाऊंगा सेम ये रे, और अलग दुकान भरी। अब चलते हैं भाई, गौतम चले भैया, चलो भाई अब चलते हैं मॉडर्नेशन में, और उस्ताद से पूछेंगे टायर कैसे लगे। हाँ। अब वाला तो डाले नहीं, टायर ही पूछ रहे हैं कैसे लगे। चलो अच्छे ही हैं, अच्छे ही है। नहीं साफ उधर टायर है बढ़िया। ये देखो भाई देखो क्या ऐप कर रहे, देखो ये देखो ये चीता ही कह रहे थे। पता नहीं भाई क्या कर रहा है। मार मत दीजिए किसी में, ये चला कौन रहा है? नहीं महेंद्र है भाई। आज बहुत पुराने पुराने आदमी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देखो यार पुराना आदमी क्या हाल है, बहुत बढ़िया 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 ठीक हो? चलो तो भाई भाई की गाड़ी में हम काम कर रहे हैं लगभग सुबह से, भाई सुबह से ही आए हो? बिल्कुल भाई सुबह से आए हैं, 4-5 घंटे हो गए और लगभग पूरी गाड़ी करेंगे तेरी भी करेंगे, 2-4 उंगली। हाँ भैया तुम्हें इवेंट की खुजली है हमें पता है, कल भाई 1 तारीख का सनडाउन का इवेंट है तो इसमें छोटा भी दिक्कत है वो कर देंगे जो पहले दिक्कत थी। इवेंट के चक्कर में निकली है गाड़ी इतनी जल्दी, पता मुझे तो तसल्ली में रुकते हैं, कोई नहीं कर देंगे थोड़ी बहुत। तो भाई छोटा मोटा सेटअप इसमें लग रहा है, खाली 4 स्पीकर लगाने हैं, वायरिंग करनी है 3 एम्पो की, बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दिखाएंगे। और एक चीज और भाई, आज हम अपनी होंडा ब्रीफ अप लगाएंगे 4000, वेट कर रहे हो ना 4000 का? बिल्कुल भाई पूरा वेट है 4000 का, 4000 का। तो भाई बूफर ये रहा एक, महेंद्र इसे निकाल के दिखाओ यार बूफर कैसा लगता है 2000 वाला। लो भाई तो अरे अच्छा चल बता तू जिम करा कितना वजन हो गया इसमें? हाँ कम से कम नहीं तो 15 के आसपास का है। 15? हाँ 22 किलो का है। 22? अरे 22 नहीं भाई, कम से कम 25 किलो। ना 22 किलो का है। तो मुझे हल्का लग रहा है, मैं उठाते रहता हूँ ना। अरे तो जिम कर रहा है ना, मैंने बोला ना तो जिम कर रहा है। मेरे को तो 15 के आसपास। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऋषभ की गाड़ी में भाई अभी लिथियम का तो हमारा जुगाड़ हुआ नहीं, लिथियम का तो हुआ नहीं जुगाड़, कोई नहीं बैटरी लगा देंगे, काम चला देंगे भाई। देखो बैटरी का जुगाड़ कर लिया लड़के ने, ये रही बैटरी, अब इसमें बैटरी लगाएंगे फिर इसका सिस्टम सुनाएंगे भाई को, ठीक है भाई? बिल्कुल भाई। चल तो भाई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, बहुत तगड़ा सिस्टम है। मेरी वैगनार भाई गौतम की वैगनार में बहुत सेटअप है, बहुत सेटअप है। अभी 4000 तेरी में लगा दूंगा, टेंशन मत ले, एक दिन बजेगा अपने सीट पे ही, सीट पे ऊपर। तो भाई मजाक कर रहा था, छोटा मोटा सेटअप नहीं, बहुत अच्छा सेटअप है, छोटा मोटा हम लगाते हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं, हाँ शौक में काम। बाकी भाई गाड़ी अच्छी बना रखे आप, डायमंड आई लगा रखे, स्प्लिटर लगा रखे, M3 के कवर लगा रखे हैं, बाकी दिखाऊंगा फिर जब कंप्लीट हो जाएगी फिर भी दिखाऊंगा एक बार, आगे से भी अच्छी लग रही है।
और एक रोल और आगे हमारा, क्योंकि बाहर जो वो स्कोर पे खड़ी है एंड उस पर पी पी स्टार्ट होगी सुबह, और फिलहाल काम चल रहा है रूबीकॉन पे। हाँ जी अब बताओ, एक नंबर बज रहा बिल्कुल, तगड़ी चीज लगा रखी एक नंबर। 20 साल का हो लिया, इस तो ऊपर ना देखा। अच्छा जी जबरदस्त जबरदस्त बिल्कुल लैंड है भाई। आप बताओ एक नंबर भाई, बढ़िया बज रहा है एक नंबर भाई। आप बताओ कान में सब भी आवाज आरंभ पा रही है। चलो भाई हंसी मजाक तुम्हारा चलता रहता, बाकी डेमो दिया भाई को अच्छा लगा। हाँ जी क्या हाल है, आपको भी अच्छा लगता है? बढ़िया धन्यवाद, थैंक यू भाई। तो अभी अभी आए भाई, थक जाता कभी कभी यार, बहुत काम है भाई आज। मजाक छट के 1 2 3 4 5 चलो अच्छी बात है, काम होना चाहिए हमारे पास। तो भाई वायरिंग कर दिया दोनों मोटरों की, देखो बहुत हैवी है भाई, मतलब मजाक छट के बहुत हैवी, करीबन 21 किलो का एक बूफर है, और पेटी अपनी फुल ट्यून 28 कुछ समथिंग पे ट्यून है बढ़िया, और यहाँ पे सिस्टम चालू हो गया अब। तो भाई बहुत दिन बी ए बजा ली करीबन, बहुत बढ़िया बज रहे थे 7-8 महीने, अब मन कर रहा है थोड़ा सा अपग्रेड करने का। तो अब भाई इस पंख लगाएंगे 2000 और एक बार आपको टेस्ट करके बताएंगे। फिलहाल जो है भाई अभी मोको से बजाएंगे, लेकिन एमटीएफ जो है मोनो था हमारा उसको थोड़ी सी नोवो में दिक्कत है, उसको चेंज कराएंगे सही कराएंगे, फिर उससे बजाएंगे 2000 इस पंख। भाई ये रहा हमारा नया सेटअप जो कि हमने 2000 और 2000-4000 इस पंख लगाया, पेटी ट्यून है भाई 28 वर्ट्स के आसपास है, 28-30 के आसपास तो होगी। बाकी इसका आउटपुट जो है ना अंदर बैठ के सुनाता हूँ आपको, भाई बहुत बढ़िया शेक कर रहा है, और अभी ब्रेकिंग नहीं हुई है देखो, अब तो होगी भाई करीबन मुझे हो गए 10-15 दिन हो गए बजाते हुए, क्योंकि रिव्यू बहुत देर बाद थोड़े दिन बाद ही दिखाऊंगा आप। तो भाई ऐसा है जैसे मैं सपोज मतलब मान लो कि 3-4 दिन से ये ब्रीजा खड़ी है अपनी, और मैं आपको इसके लिथियम की वोल्टेज दिखाऊँ ना कितनी थी, मतलब तो खैर तेज हो गई, ये रही ये थी 13.3 थी जब मैंने स्टार्ट करी थी। अभी फ्लैश आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं बता देता हूँ भाई 13.6 आ रही है फिलहाल, क्योंकि फ्लैश है तो थोड़ी सी रोशनी नहीं आ रही इसकी, 13.6 है, और बहुत आराम से इसमें स्विच विच लगा के मतलब रिमोट का स्विच लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर, बहुत बंदे नहीं लगाते भाई, मतलब मर्जी होती है सबकी, लगाओ मत लगाओ, भाई मैंने लगा रखा मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बैटरी रहनी चाहिए सेफ। भाई अब आपको सुनाते हैं इसका आउटपुट जो कि अभी ब्रेकिंग नहीं हुए तब दिखा रहा हूँ, जब ब्रेकिंग हो जाएगी तो भाई दोबारा दिखाएंगे, बाकी अपना सॉन्ग प्ले करते हैं ये। आ जाओ आपको गाने सुनाता हूँ, आ जाओ कौन। अबे फागू को तो बुला, अबे फागू आ जा, चढ़ा दे बेटा चढ़ा दे, गेट खोल पकड़, गेट पकड़ आ जा, ओए फागू आ जा आ जा आ जा मेरे बेटे आ जा, चढ़ा दे इसको, और ये तो उठता भी ना है, अरे उठा दे भाई उठा दे, आजा 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 मेरे फाकू आजा आजा मेरे बेटे आजा आजा मेरे बेटे आजा, कर दो बंद कर दो बंद कर दो। विराज आपका बर्थडे था, खत्म हो गया तो गाना सुना दे, शीशे काले काले जेड जेड चला दे भाई, अरे जल्दी चला दे। चाटा दिखा रहा उसको बाहर, भागू ओए गद्दी से आया, ओए ओए मारना नहीं है अभी नहीं, अरे रहने दे, अरे रहने दे भाई, अरे छोटा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई, ओए विराज विराज ओए विराज ओए गाड़ी मार दिया, अरे
ए सुन बोल हेलो गाइस ए तू पहले मेरी बात सुन पहले मेरी बात सुन ले रुक गया वो तेरी फागू कैस करेगा तो भैया ये बालक तो ऐसी लड़ाई करते रहेंगे। चलो भाई अपना व्लॉग करते हैं भाई। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक ले रहा हूँ जय बाबा की।